गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका द स्पीडी स्टडी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट किया है, आज हम लोग क्वेश्चन फोर्थ को पढ़ेंगे। क्वेश्चन फोर्थ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पर अगर टू डिजिट नंबर की बात करेगा, ओरिजिनल नंबर की बात करेगा, तो हम हमेशा लेट करते हैं। और लेट क्या करते हैं? वंस प्लेस को लेट करते हैं और टेंस को लेट करते हैं, फिर ओरिजिनल नंबर। मींस अगर दो अंकों की संख्याएं बताएगा, पहले दहाई का अंक, फिर इकाई का अंक, फिर उसके बाद अभीष्ट संख्या, तो वही हमको लेट करना है। क्या लिखें यहाँ पर? सॉल्यूशन। अब क्या राइट करेंगे? लेट नंबर ऑफ डिजिट, लेट नंबर ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल क्या हो जाएगा? यस। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? माना दहाई का अंक इक्वल यक्स एंड द नंबर ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस क्या हो जाएगा? ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। यानी अगर तुम्हारा एक अंक यक्स है तो थ्री टाइम्स मतलब थ्री इयर्स, ठीक है। जैसे अगर कह रहा है कि पहला अंक जो आपका है वो यक्स है, तो दूसरा अंक उसका थ्री टाइम्स है, मतलब थ्री इयर्स हो गया। या मान लीजिए कह रहा है कि वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, तो अदर नंबर मैंने यक्स माना है, फोर टाइम मतलब फोर इयर्स हो जाएगा। अगर बोल रहा है कि फाइव टाइम्स है अदर नंबर का, अदर नंबर मतलब जो पहला नंबर माना है उसी का फाइव टाइम है, तो क्या हो जाएगा? फाइव इयर्स हो जाएगा। तो ऐसे ही थ्री टाइम्स बोला ना, मींस क्या हो जाएगा? ये थ्री इयर्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे? और इकाई का अंक, और इकाई का अंक बराबर थ्री इयर्स। अब ओरिजिनल नंबर क्या लिखेंगे? ओरिजिनल नंबर देयरफॉर ओरिजिनल नंबर मतलब अतः अभीष्ट संख्या बराबर। मैंने कल ही बोला था कि 10x + y 10x + y होता है यस का, मतलब होता है दहाई का अंक यानी टेंस प्लेस का। वाई मीन्स होता है वंस प्लेस का, तो 10 है 10, यस की वैल्यू क्या होगी? यस ही होगी, और प्लस वाई की वैल्यू 3 इयर्स, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इयर्स + 3 इयर्स, क्या हो जाएगा? 13 इयर्स। अब देखिए इसके आगे बोल रहा है कि जब हम इंटरचेंज कर देते हैं डिजिट को, क्या लिखेंगे? ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट न्यू नंबर विल बी इक्वल। अब देखिए इंटरचेंज केवल डिजिट का हो रहा है, मीन जहां पर यस रहेगा वहां 3x लिखना है, जहां पर 3x है वहां पर यस राइट करना है। तो हो जाएगा 10 × 3x + x, मीन्स ये इसको हम लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर नई संख्या बराबर 10 तिहाई 30x और प्लस
x means 30 plus x करिए 31x हो गया, 31x हो गया। आप क्या लिखेंगे? According to question। अब ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, कह दिया रहा है, अब कह रहा है कि इफ यू इंटरचेंज डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अब जो रिजल्टिंग नंबर यानी जो न्यू नंबर है ना, अगर हम इसे ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं, मींस अगर हम ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 13 ईयर्स है और हमारा न्यू नंबर कितना है 31 ईयर्स है। कह रहा है अगर हम रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आया है इंटरचेंज करने पर, उसको हम न्यू नंबर में जोड़ देते हैं तो हमें 88 मिलता है। कितना मिलता है? 88 मिलता है। चलिए करते हैं, 3 और 1 4 यानी 13 और 31 को ऐड करना है पहले, 3 और 1 4 44 आ गया। तो ये हो जाएगा 44 ईयर्स इक्वल 88 मींस यस इक्वल 88। इधर 44 किस में है? मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में यानी अपॉन 44। तो अगर हम देखें 88 अपॉन 44 तो 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 4 1 जा 4 2 जा 8 मींस यस इक्वल आ गया 2। ये वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। क्या लिखेंगे? हियर ओरिजिनल नंबर यानी अभीष्ट संख्या। तो क्या हो जाएगा? बराबर ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 13x, तो 13x हो गया। तो 13 × x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हो? 2। 13 × क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 13 × 2 = 26। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगर आपको चेक करना है तो एक काम करिए कि यहाँ पर ये जो हमने बनाया हुआ है इक्वेशन वहीं पर रख लीजिए। वैल्यू 13 × x की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस 31 × 2, 13 × 2 = 26 प्लस 2 1 = 2 और 2 3 = 6। इन दोनों को ऐड करने पे 88 आना चाहिए, तो 6 और 2 8 6 2 8 88 मींस आवर आंसर आर करेक्ट। आंसर शीट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4th कंप्लीट। कल हम लोग क्वेश्चन 5th पढ़ेंगे।